चहरोज रफी साहब का कटाकट बनाना है हमें, और इनका कटाकट बनाने के लिए हमें आमिर बरोलिया साहब ने नंबर दिया है और कहा है जी इनका कटाकट बना दो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, शहरोज बात कर रहे हैं, शहरोज रफी। वालेकुम अस्सलाम जी, कर रहा हूँ। जलालुद्दीन बात कर रहा हूँ सर, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से। जी जी बोलिए। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आपकी मार्कशीट्स वगैरह। हम लोगों ने अपने सिस्टम अपग्रेड किए हैं, मैट्रिक आपने 95 में किया था गालिबन, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। हाँ जी किया है। अच्छा, आप करंटली कहाँ नौकरी कर रहे हैं, आप करंटली कहीं जॉब कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझको? तो आप मुझे ये बताइए ना कि इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, मैं आप ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन क्यों दूं? भाई आपने मैट्रिक किया था भाईजान, भाईजान आपने मैट्रिक किया था ना? भाईजान किया था, लेकिन देखें आप नंबर दोबारा कैलकुलेट किए, हमने नए पाकिस्तान में हमें ऑर्डर्स हैं कि हर डाटा जो है पिछले 60 सालों का उसको कंप्यूटर पर डालें। अब जब कंप्यूटर पर डालें तो हर चीज़ दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ रही है, तो जब कैलकुलेट की तो आपकी दो सप्लियाँ आ चुकी हैं। अभी आप कहीं जॉब कर रहे हैं? जी मैं कर रहा हूँ जॉब। कहाँ जॉब कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान हूँ। बस अब आपकी जॉब खतरे में हो सकती है। एचआर मैनेजर हैं आप? जी। अरे सर तो फिर अपनी तो डिग्रियाँ सही कर लें। आप एक काम करें, मैं नहीं दे रहा, मैं कोई सप्ली वपली नहीं दे रहा, आप जो बनना कुछ करना कर लें। अच्छा तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम अभी आपकी जो करंट मार्कशीट है वो हम भिजवा देते हैं कराची यूनिवर्सिटी और जहाँ पे आपने कॉलेज में पढ़ा है, अब आप देख लें, आपके वो कैंसिल हो जाएंगी, सारी डिग्रीज कैंसिल हो सकती हैं सिर्फ इन दो सप्लियों की वजह से अगर आपने नहीं दी तो। कैंसिल हो सकती हैं ये? तो मैंने तो सही पेपर दिया था, ये कैसे आ गया? तो मैं तो इस बात को नहीं समझ पा रहा ना। सर हम आपको समझा रहे हैं ना, हमने कैलकुलेट दोबारा किया है, तो आपका फिजिक्स और इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट है जिसमें आके मार्क्स कम है और सप्ली है। एक बंदा 15 साल बाद उठ के आके मुझे कह रहा है, और मैं तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ भाई, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं तो अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ माशाल्लाह से, आप भी उठ के आ गए बता रहे हैं मुझे कि आपकी ये दो रह गई, तो मैं कैसे करूँ, मैं मुझे बताइए। बस सही है, फिर आप अपनी जॉब देख लें सर, हम आपको आखिरी दफा। नहीं नहीं मेरी बात तो सुने ना, मैं क्या करूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप तैयारी करें, आप तैयारी करें, आपको नई डेट शीट इशू करेंगे हम आपके करंट एड्रेस पे, और आपका करंट एड्रेस भी हमने आईडी कार्ड से निकाल लिया है। अच्छा मेरी बात सुने, देखिए अब ये सब रिवर्ट अगर होता है तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, मैं तो माशाल्लाह जॉब कर रहा हूँ, तो आप वो मेरे हाथ से जाती है। तो आप पेपर की तैयारी कर लें, आपकी डेट शीट मैं आपको बताता हूँ, आपके गालिबन अभी चल रहा है ये अगस्त चल रहा है, तो आपके जो प्राइवेट पेपर नवंबर में होंगे भाईजान। मैं आपको, आपका नाम क्या है, इसमें गिरामी क्या है? जलालुद्दीन। जलाल भाई मैं यकीन से कह रहा हूँ, खुदा की कसम मैं इतना नालायक हूँ, मैं अगर बैठा ना दो वो सप्लियाँ देने मैं फिर फेल हो जाऊंगा, मेरी बात को समझे, कुछ कर लेते हैं हम लोग मिल लेते हैं, और आप, आपको खुश कर दूंगा मैं। क्या ऑफर कर रहे हैं आप बताएं? आप जो बोलें, आपका हर महीने का पेट्रोल बांध देता हूं मैं। अच्छा आप क्योंकि में काम कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं इस तरह की बातें? मतलब जरूरी नहीं है, मतलब मैं आप बेसिक आप खुश हो जाएंगे मैं बता रहा हूं, बस ये काम अगर कर दें मेरा, क्योंकि देखिए जॉब अगर चली गई तो फिर तो मेरे तो लक्षण लग जाएंगे। अच्छा शहरोज साहब मुझे लगता है आपकी बात नहीं बन पाएगी, तो ये है कि आपको पेपर देने होंगे भाई, डेट शीट। जलाल भाई मेरी बात सुने, जलाल भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए आप इतने प्यारे भाई हैं, और सबसे पता है मुझे अच्छी क्या चीज लगी, आपका इखलाक अच्छा लगा, आपने देखे कितने तरीके से बात की, मुझे सबसे अच्छी चीज आपकी ये लगी, और इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि आप कुछ कर लें, मैं यकीन दिला रहा हूँ हम लोग कोई कुछ कर लेते हैं मिलके। क्या मतलब मिलके खाना वाना खा लेते हैं बैठ के, आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आप ना संडे वाले दिन आ जाएं, संडे वाले दिन हम मिल रहे हैं। यार बहुत स्वीट आदमी है यार, चरो साहब कसम से मैं आपको नाराज नहीं करूंगा, आप खुश ही होंगे मुझसे मिलके, चरो साहब संडे वाले दिन आप रख लें, चरो साहब आपसे मिलके हम सब बहुत खुश होंगे, मुझे पता है आप इतने स्वीट आदमी है, मैं आप तो बेचारे बहुत ज्यादा ये कितने घबरा गए। चरो साहब आप लाइव हैं, आप कटाकट शो पे लाइव हैं, और आप आमिर बरोलिया को जानते हैं? आमिर बरोलिया? आमिर जी जानता हूँ मैं। हाँ ये उन्होंने नंबर दिया था हमें आपका, आप कटाकट शो में हैं और उन्होंने कहा था कि आपको तंग करें, आपके साथ प्रैंक करें, तो हमने प्रैंक किया था आपके साथ। तो ये किस पे आ रहा है? ये बोल पे आ रहा है, बोल एंटरटेनमेंट पे आ रहा है। मैं समझ गया था ये कोई मेरे दोस्त की शरारत है। नहीं 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 नहीं
अब आप कवर कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। मैं समझ गया था कि कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि मेरी तो सपनियां तो कभी आई नहीं। अभी आपने कहा मैं कितना नालायक था, खुद ही आप कहते मैं करूंगा तो दोबारा फेल हो जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तो देखे ना, मैं तो समझ गया था, इस वजह से मैंने यार आप लोग क्या करते हो यार, देखो मैं समझ गया था, इसलिए मैंने बोला चलो यार मजाक कर लेते थोड़ा सा। हाँ मजाक कर लेते, लेकिन आप कवर कर रहे हैं, चलो खैर है, हम भी कवर कर रहे हैं। मजा आया मुझे वैसे, समझ गया था। बहुत बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।